स्टार्ट करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर, और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसकी, हाइब्रिडाइजेशन की। लास्ट क्लास में आप लोग बात कर रहे थे किसकी, आपने बड़ा वीबीटी के बारे में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सबको आती है, आती है नहीं आती है। उसके बाद हम लोग ने पढ़ाया किसके बारे में भाई, ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ा, ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। ओवरलैपिंग कितने टाइप की है उसके बारे में आपने सीखा है कि एक आपके पास सिग्मा बॉन्डिंग होती है या फिर सिग्मा ओवरलैपिंग, जिसमें आपके सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे होते हैं। और सेकंड वन आपने पढ़ा है कि आपके पाई बॉन्ड फॉर्म होते हैं, जिसको आपने कहा क्या, पाई ओवरलैपिंग। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड, या फिर आप कह सकते हो सिग्मा ओवरलैपिंग एंड पाई ओवरलैपिंग। अब हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपने पास एक थ्योरी आती है, जो आपकी जितने भी कंपाउंड्स आपने अभी तक देखे, जितने भी मॉलिक्यूल्स आपने चेक किए हैं, हर कोई मॉलिक्यूल एक 3D स्पेस में कैसे एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए उस मॉलिक्यूल की कुछ ना कुछ ज्योमेट्री होगी, कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगी, और कुछ ना कुछ क्या होगी, उनकी शेप्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उनको समझने के लिए किसी भी कंपाउंड की, लाइक हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्री समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं बेटा, उसके स्ट्रक्चर्स को हम लोग समझना चाहते हैं कि वो एटम्स को, सराउंडिंग एटम्स को, सेंट्रल एटम किस तरीके से अरेंज करते हैं। तो उसके लिए एक थ्योरी दी गई जिसको हम लोग कहते हैं वेस्पर थ्योरी। तो एडिंग डालोगे वेस्पर थ्योरी, किसकी बात करें बेटा, वेस्पर थ्योरी। तो यहाँ पे वेस्पर थ्योरी का मतलब क्या है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसका मतलब होता है वैलेंस, एस का मतलब होता है सेल, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, पी का मतलब क्या होता है यहाँ पे पेयर, और आर का मतलब क्या होता है रिपल्शन। सही है, तो यहाँ पे हम लोग काउंट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब ये रिपल्शन, आप ये जो थ्योरी आपको किस चीज के बारे में बता रहा है, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, जो आपके पास कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं। देखो हम लोग कोवलेंट बॉन्ड को डील कर रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड में आपने पढ़ा कि म्यूचुअल शेयरिंग होती है, उस शेयरिंग को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए वीबीटी पढ़ा, और वीबीटी में ही आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा क्या, ओवरलैपिंग। क्या पढ़ा बेटा, ओवरलैपिंग, और उसी के बेस पे हम लोग किसी भी कंपाउंड की क्या पता कर रहे हैं, ज्योमेट्री। क्या पता कर रहे हैं, ज्योमेट्री पता कर रहे हैं। आप किसी भी कंपाउंड की यहाँ पे स्ट्रक्चर पता कर सकते हो, आप क्या पता कर सकते हो, शेप। तो किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री, शेप एंड स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी इंट्रोड्यूस की गई, जिस थ्योरी को हम लोग क्या कहते हैं, वेस्पर थ्योरी। नाम देखो क्या है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या है कि जो भी आपकी बॉन्ड फॉर्मेशन में जाता है, वीबीटी में आपने पढ़ा कि उसके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स या फिर आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर है क्या? देखो यहाँ पे आप चेक करो, आपके पास अलग अलग टाइप के इंट्रेक्शन आएंगे, कोई भी एक मॉलिक्यूल लेते हैं। चलो मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास एक ए बी कंपाउंड जिसके अंदर दो कोवलेंट बॉन्ड, जिसके अंदर दो क्या आपके पास कोवलेंट बॉन्ड है, और दो आपके पास क्या है यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनको आपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा था। हम लोग लॉन पेयर चेक कर चुके हैं, बॉन्ड पेयर चेक कर चुके हैं। यहाँ पे जो तो बॉन्ड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट इलेक्ट्रॉन्स इज नॉन एज बॉन्ड पेयर। समझ आ रहा है क्या? इनको क्या कहा गया बेटा, बॉन्ड पेयर, ये आपके बॉन्ड पेयर है, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इनको क्या कहा गया, लॉन पेयर। सही है क्या? अब ये मॉलिक्यूल अपने आपको 3D में इस तरीके से एडजस्ट करेगा, या स्पेस में आपने आपको इस तरीके से एडजस्ट करेगा, जहां पे आपको एक लॉन पेयर दूसरे लॉन पेयर के बीच का रिपल्शन, एक लॉन पेयर दूसरे बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन। देखो एक चीज समझो आप, कि यहाँ पे यदि हम लोग चेक करें, यहाँ पे आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है क्या, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं, लॉन पेयर। ये भी क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनको भी क्या कहेंगे, लॉन पेयर। क्या एक लॉन पेयर दूसरे लॉन पेयर को रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? भाई पास पास हैं तो रिपेल करेंगे ना, तो वन लॉन पेयर रिपेल अनदर लॉन पेयर, तो एक रिपल्शन फोर्स तो यहाँ मिल रहा है, जिसको नाम दिया गया लॉन पेयर रिपल्शन। थ्योरी के नाम से ही हम लोग रिपल्शन चेक कर रहे हैं। क्या चेक करें बेटा, रिपल्शन। उसके बाद मैं आपसे कहता हूँ, जैसे आपके लॉन पेयर नीचे की तरफ आ गए ऐसे थे, और रिपेल करके क्या होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे या पास आएंगे? आप दूर जाएंगे, तो ये लॉन पेयर जो इसके पास है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, और नीचे आपका बॉन्ड पेयर है, और वहां भी क्या है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर आपस में क्या करना शुरू कर देंगे, रिपेल, क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पे आपके पास अगेन एक रिपल्शन मिला, जिसको नाम दिया गया लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, सेकेंड टाइप रिपल्शन मिला। समझ आ रहा है क्या? अब इस साइड से भी रिपेल हो रहा है, यहाँ भी कौन सा रिपल्शन मिलेगा आपको, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। समझ आ रहा है या नहीं?
उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही आपका नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ, ये इस साइड आएगा, इधर से ये इस साइड आएगा, तो ये लॉन पेयर जो सॉरी ये बॉन्ड पेयर दूसरे बॉन्ड पेयर को क्या करना शुरू कर देगा, रिपेल। तो दैट टाइप ऑफ रिपल्शन इज नॉन एज बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो बेसिकली आपने पास ऐसे तीन अलग अलग टाइप के रिपल्शन हम लोगों को मिलते हैं। एक रिपल्शन मिला कौन सा, दो लॉन पेयर की वजह से जिनको कहा गया लॉन पेयर रिपल्शन। एक आपको रिपल्शन मिला लॉन पेयर बॉन्ड पेयर की वजह से जिसको कहा गया लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। एक आपको रिपल्शन मिला किसकी वजह से, बॉन्ड पेयर की वजह से। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं कि सबसे ज्यादा रिपल्शन किसका होगा, क्यों ज्यादा होगा लॉन पेयर का, बॉन्ड पेयर का ज्यादा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आप देखो मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि एक चीज चेक करो, ये एटम है, इस एटम के पास एक लॉन पेयर क्या भाई। एक आपने कहा कि आपके पास दो एटम है ऐसे ए एंड बी, और बीच में आपके पास क्या है, ये बॉन्ड पेयर, ऐसे समझा, इसको लॉन पेयर और इसको क्या कह रहा हूं बॉन्ड पेयर। सर यहां भी दो इलेक्ट्रॉन है और लॉन पेयर के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, कोई प्रॉब्लम भाई। यहां मुझे बताओ कि ए एटम का कोई कुछ ना कुछ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑफ ए एटम, इसको क्या नाम दे रहा हूं, न्यूक्लियस ऑफ ए एटम, न्यूक्लियस है। क्या ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है या नेगेटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखेगा या पकड़ के रखेगा, समझ आ रहा है क्या। यहाँ पे एक पॉजिटिव इन न्यूक्लियस को, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है बेटा, होल्ड कर रहा है। यहां देखो, यहां इस ए का कोई न्यूक्लियस होगा या नहीं होगा भाई, ए का क्या है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ ए एटम एंड न्यूक्लियस ऑफ बी एटम, मिलेगा नहीं मिलेगा। ए एटम का न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, बी एटम का न्यूक्लियस क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, बीच में क्या आपके इलेक्ट्रॉन्स, तो उनको पकड़ के रखेंगे। अब मुझे एक चीज बताओ कि जब ये दो इलेक्ट्रॉन दो न्यूक्लियस के बीच में है या फिर दो इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के बीच में है, ज्यादा स्टेबल कहाँ होगा और क्यों होगा भाई। यहाँ पे जो एक न्यूक्लियस दो इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहा है या दो न्यूक्लियस दो इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहे हैं, तो पकड़ने की पावर या होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा किसकी होगी, बट यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मोर स्टेबल होंगे। अरे मैं लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अपने जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो क्या होते हैं, मोर स्टेबल, बिकॉज दो न्यूक्लियस से होल्ड किए हुए हैं या दो न्यूक्लियस उनको पकड़े हुए हैं। अच्छा यहाँ पे बात करते हैं, ये आपके क्या होते हैं, एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर लेस स्टेबल होते हैं, एज कम्पेयर टू किसके बेटा, बॉन्ड पेयर क्या मिलते हैं आपको, लेस स्टेबल। और जब आपका लेस स्टेबल है तो होल्डिंग अच्छी नहीं है, अब होल्डिंग अच्छी नहीं है तो रिपेल अच्छे से करेगा, इसलिए आपने कहा कि लॉन पेयर इंट्रेक्शन या लॉन पेयर रिपल्शन ज्यादा होते हैं किसके कंपेरिजन में, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, और किसके कंपेरिजन में, बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कह सकते हैं जो आपके रिपल्शन इंट्रेक्शन आएंगे, क्या आएंगे बेटा, रिपल्शन इंट्रेक्शन। तो रिपल्शन इंट्रेक्शन का आपके पास कुछ ऑर्डर आएगा और जो ऑर्डर आपको मिला वो क्या मिला, सबसे ज्यादा किसका होता है, लॉन पेयर का, फिर किसका ज्यादा होता है, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर का, और फिर किसका ज्यादा होगा, बॉन्ड पेयर, मतलब घटता जा रहा है सबसे कम, सही है क्या। ये क्वेश्चन आपका नीट में पूछ चुका है 2018 या 17 में, आपसे पूछा गया है रिपल्शन इंट्रेक्शन का ऑर्डर क्या है, और ऑर्डर के बेस पे चार ऑप्शन बना दिए गए, एक ऑप्शन ये भी था, सेकेंड ऑप्शन चेंज करो तो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर को आगे ले आओ, नेक्स्ट ऑप्शन चेंज करो तो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर को आगे ले आओ, तो ऐसे आपके ऑप्शन चेंज किए जा सकते हैं। तो राइट ऑर्डर क्या आएगा आपका, लॉन पेयर देन अगेन लॉन पेयर बॉन्ड पेयर एंड लास्ट वन इज बॉन्ड पेयर। ऐसा क्यों, क्योंकि लॉन पेयर अनस्टेबल होते हैं तो रिपेल ज्यादा करेंगे, क्लियर है। तो अब मैं आपसे कहता हूं कि मॉलिक्यूल अपने आप को एडजस्ट करना चाहता है किसी ज्योमेट्री में, किसी तो वह एडजस्ट करने के लिए रिपल्शन ज्यादा रखना जरूरी है उसके लिए या कम रखना जरूरी है भाई। जितना ज्यादा रिपल्शन होगा उतने अच्छे से एडजस्ट करेगा, या जितना कम रिपल्शन होगा उतने अच्छे से एडजस्ट करेगा भाई। जितना कम रिपल्शन होगा किसी मॉलिक्यूल में, आइदर इन द लॉन पेयर फॉर्मेट, आइदर इन लॉन पेयर बॉन्ड पेयर फॉर्मेट, और आइदर इन बॉन्ड पेयर फॉर्मेट, जितना कम रिपल्शन है तो मॉलिक्यूल उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल भाई। रिपल्शन कम तो एनर्जी भी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा, समझ आ रहा है क्या, कोई प्रॉब्लम भाई। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि सबसे कम रिपल्शन होनी चाहिए, मतलब लॉन पेयर बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर बॉन्ड पेयर।
उनको समझने के लिए हम लोग ना उनकी टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, एक सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में कितने नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सही है क्या, उनको निकालते हैं। आइदर बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, आइदर लॉन पेयर। तो यहां पे इनको मैं कह रहा हूं कि आपके पास क्या है अभी टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सही है क्या, टोटल नंबर ऑफ। इसकी इसको निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, आप क्या चेक करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम चूज करना आता है, तो सेंट्रल एटम के क्या चेक करोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस मोनोवेलेंट एटम प्लस क्या चेक करेंगे बेटा, मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट एटम क्या होते हैं, ऐसे एटम जो क्या करते हैं बेटा, सिंगल वैलेंसी शो करते हैं, मतलब जो सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक, तो एक इलेक्ट्रॉन एक सिंगल वैलेंसी है। फ्लोरीन को कितने चाहिए, एक, क्लोरीन को कितने चाहिए, एक, ब्रोमीन को कितने चाहिए, एक, आयोडीन को कितने चाहिए, एक। वो सारे के सारे एटम जिनकी वैलेंसी वन है, मोनो मतलब वन, वैलेंट मतलब वैलेंसी, मतलब सिंगल वैलेंसी वाले एटम, उनको क्या कहेंगे, मोनोवेलेंट। फिर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो कैटायन कभी भी आता है, पॉजिटिव चार्ज किसी भी कंपाउंड पे आता है, उसका मतलब क्या है कि उसमें इलेक्ट्रॉन आए हैं या उससे इलेक्ट्रॉन निकले हैं, और इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन माइनस करोगे, एनायन आता है तो पॉजिटिव चार्ज, सॉरी एनायन आएगा तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे या घटेंगे, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज को आप बढ़ा दें तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, डिवाइड बाय क्या कर दो, टू। अप्लाई करना सीखते हैं, एग्जांपल लेते हैं, देखो मैं आपसे कहता हूं आपके पास एक सी एच फोर मॉलिक्यूल है, क्या बेटा, तो सी एच फोर मॉलिक्यूल में सेंट्रल आइटम क्या बना आपका, सी, उसके लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग निकाल रहे हैं, एक फॉर्मूला बताया गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवेलेंट माइनस कैटायन प्लस एनायन बाय टू। सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एटम ना बेटा कितने, चार, कितने यहां पे, चार, भाई हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन डाइवेलेंट या मोनोवेलेंट, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं मोनोवेलेंट का मतलब क्या होता है, यानी सिंगल वैलेंसी, क्या मतलब होगा बेटा, सिंगल वैलेंसी। और इसके एग्जांपल आपके पास है हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये सिंगल वैलेंसी शो करते हैं, क्या शो करते हैं बेटा, सिंगल वैलेंसी, कोई प्रॉब्लम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आए, चार, प्लस मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, चार, मोनोवेलेंट मतलब जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। क्या कोई चार्ज दे रखा है क्या इस पे, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, कोई कैटायन नहीं, कोई एनायन नहीं, बाय टू कितना आ गया, चार, तो चार पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने अपने पास, चार, चार आ गए भाई, कितने आए। अब चार में से मैं आपसे पूछता हूं कि बॉन्ड पेयर कितने हैं सर इसमें, और लॉन पेयर कितने, और कौन कौन से टाइप के रिपल्शन आपको मिल सकते हैं, सही है क्या। तो हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर। तो लॉन पेयर निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, देखो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग निकालने इक्वल टू, या सिंपल लॉन पेयर लिख लो, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन जो मैं पेयर लिख रहा हूं तो डायरेक्ट काउंट करके चल रहा हूं, यहां पे लॉन पेयर इक्वल टू एक फॉर्मूला यूज करेंगे, जितने भी आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के, किसके बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ व्हाट, सेंट्रल एटम, यहां पे हम लोग बात करेंगे माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से कितनों ने क्या कर लिया, शेयर कर लिया या बॉन्ड बना लिया, सही है, माइनस कैटायन प्लस एनायन बाय टू, सही है क्या, या फिर आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो तब भी आपका आंसर सही आएगा, क्लियर है। चलो मैं यहां पे निकालता हूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने कार्बन के, चार, चार में से एक हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, एक, तो चार कितने बनाएंगे, चार, तो चार हाइड्रोजन ने कितने शेयर किए इलेक्ट्रॉन, चार, कोई चार्ज है नहीं, बाय कितना आएगा, टू, तो कितने लॉन पेयर, जीरो, कितने लॉन पेयर आए बेटा, जीरो। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ही कह सकते हैं कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ चार इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे आप काउंट कर रहे थे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे बेटा, चार, चार में से बॉन्ड पेयर कितने हैं, चार,
लॉन पेयर कितने हैं? जीरो। समझ आ रहा है क्या? इसे हम लोग चेक करके चलेंगे। चलो कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं, करें भाई, अब अप्लाई कर पाओगे, बहुत सिंपल टॉपिक। चलो मैं आपको कहता है कि आपके पास एक NH3 मॉलिक्यूल है, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर पता कीजिए, H2O मॉलिक्यूल है, अच्छा NH4 पॉजिटिव मॉलिक्यूल है बेटा, अपने पास H3O पॉजिटिव मॉलिक्यूल ले लेते हैं, हम लोग NH2 नेगेटिव मॉलिक्यूल ले लेते हैं, यहाँ पे आप SO4 2 नेगेटिव मॉलिक्यूल ले लेते हो, तो इनके केस में हम लोगों को निकालना है, इनके केस में क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाई करते हैं, राइट? तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर पता करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कौन सा? सेंट्रल एटम, बताइए सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे सल्फर, क्योंकि सेंट्रल एटम वो एटम हम लोग चूज करते थे जो आपका लेस इन नंबर हो, पता चल रहा है क्या? आप सेंट्रल एटम के क्या देखूं सर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 5 से, अच्छा इसमें से मोनोवेलेंट कितने बेटा? 3। अरे 3 हाइड्रोजन है, कितने आएंगे मोनोवेलेंट? 3। कोई चार्ज है क्या? डिवाइड बाय कितना आ गया? आप 4 में से बॉन्ड पेयर कितने और लॉन पेयर कितने ये और बता दो, चेक करो। लॉन पेयर निकालने के लिए क्या चेक करता था? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने बेटा नाइट्रोजन के? 5। 5 में से कितने शेड हो गए? 3। बचे कितने? 2/2 कितने लॉन पेयर? सर 1 लॉन पेयर, तो 3 क्या बनेंगे? बॉन्ड पेयर। समझ आ रहा है क्या? चलो H2O का निकालो, सावास H2O के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 4, 6 होते हैं ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में, कितने होते हैं बेटा? 6। और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 2 बाय कितना? 2, कितना आया? 4। यहाँ काउंट करो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने नाइट्रोजन वाले निकालो, फिर एक साथ लॉन पेयर बॉन्ड पेयर निकालेंगे, पता लगाओ। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, हाइड्रोजन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। और कैटायन 1 है, 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो -1 डिवाइड बाय 2, कितना आंसर आया? 4। यह काउंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 6। कितने मोनोवेलेंट एटम? 3। कितने कैटायन? 1, तो -1 बाय 2, कितना आएगा? 4। यहां चेक करो नाइट्रोजन की सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 5, तो 5। 5 में से मोनोवेलेंट कितने? 2। एनायन कितने? 1। एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन आया है, तो बाय 2 कितना आएगा बेटा? 4। यहां बोलिए इक्वल्स टू सेंट्रल एटम क्या? सल्फर। सल्फर कितना आएगा? 6। क्या कोई मोनोवेलेंट आइटम है क्या? नहीं। ऑक्सीजन क्या होता है? डाइवेलेंट, क्योंकि एक ऑक्सीजन को बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो इसलिए कितने बॉन्ड बनाएगा? 2। मोनो या डाई? डाइवेलेंट। समझ आ रहा है क्या? मोनो है ही नहीं, फिर कितना चेक करेंगे? कैटायन है क्या? वो भी नहीं है। एनायन कितना है? 2, तो -2 की जगह क्या देगा? +2 बाय कितना आ गया? 4। सब में 4-4 आ रहे हैं, सबके लॉन पेयर और बता दो सावास, यहाँ बताओ मेरे को। फिर इसके बॉन्ड पेयर कितने, इसके लॉन पेयर कितने? लॉन पेयर डायरेक्ट निकालना सीखते हैं, सीखे भाई? वाटर के लिए लॉन पेयर बता कर रहे हो आप, वाटर, तो लॉन पेयर निकाल रहे हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के कितने बेटा? 6। 6 में से कितने शेड हो गए? 2। -2 सही है, बाय कितना? 2, तो 4/2 इक्वल टू 2, तो 2 तो बॉन्ड पेयर हो गए सर, और 2 क्या हो गए? लॉन पेयर हो गए। समझ आया? आगे बोलिए नाइट्रोजन में कितने कितने, देखो डायरेक्ट सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लॉन पेयर निकाल रहे हैं, तो इसके लिए निकाल रहा हूँ मैं, थर्ड केस के लिए, थर्ड केस ले रहे हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4th, ये 5th, ये 6th, ऐसे समझ लेते हैं। लॉन पेयर निकालते हैं, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 5। शेड कितने हो गए? 4। एक कैटायन है, कैटायन के लिए क्या यूज करता हूँ? -1 डिवाइड बाय 2, 5 में से 5 गए 0, तो इसका मतलब इसके अंदर सारे के सारे क्या होंगे?
कितने होंगे? लॉन पेयर जीरो, समझे? इसमें बताइए आप लोग, फोर्थ केस लेते हैं, लॉन पेयर निकालते हैं भाई, अब तो प्रैक्टिस हो रही है। सिक्स माइनस कितना? थ्री। माइनस कितना? एक। बाय कितना? दो। कितना आया? एक। अरे टू बाय वन। हाँ, लॉन पेयर कितना? वन। बॉन्ड पेयर कितना? पक्का? यहां बोलिए फिर। नाइट्रोजन है फिफ्थ, तो हम लोग काउंट करते हैं सर, लॉन पेयर निकाल रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? फाइव, तो मैंने लिखा फाइव। माइनस शेड कितने? दो। अब नेगेटिव है ना एक, तो क्या लिखेंगे? माइनस की जगह प्लस एक बाय दो। छह में से दो गए चार, चार बाय दो, दो, दो लॉन पेयर दो। बॉन्ड पेयर कितने? लॉन पेयर कितने? समझे क्या? अगला बताओ फिर भाई, लॉन पेयर निकाल रहे हैं तो कितने हुए? सिक्स। अच्छा देखो, मुझे एक चीज बताओ, एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेड करता है? दो को, तो चार कितने को शेड करेंगे? तो इसका मतलब एक ने दो शेड किए हैं, तो चार ने कितने शेड किए? आठ, समझे? और कितने नेगेटिव हैं? दो, तो क्या लिखूंगा? प्लस दो बाय दो, आठ बाय आठ जीरो। तो लॉन पेयर कितने भाई? बॉन्ड पेयर कितने? समझे क्या? प्रैक्टिस करो फिर, समझ गए तो। HNO3 में बता दो, HClO4 में बता दो, सबके चार चार वाले केस ले रहा हूं मैं। कौन सा नंबर था ये? सिक्स सेवन, सेवन एट नाइन। H2CO3 में बता दो, टेन NO3 नेगेटिव में बता दो, इलेवन NO2 नेगेटिव में बता दो, ट्वेल्व SO32 नेगेटिव में बता दो। चलो बताओ, कुछ सिलेक्टेड मैं कर रहा हूँ, बाकी आप लोग ट्राई करोगे, कोई डाउट आएगा तो मेरे से पूछोगे। हरी अप, देखो क्या आएगा बेटा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, मजा आ रहा है। अरे क्लास इंटरेस्टिंग है भाई। पहले सेंट्रल एटम बताओ, चलो इसको इसको सिस्टमेटाइज करते हैं, ठीक है? सेंट्रल एटम ऑन HNO3, नाइट्रोजन, HClO4, H2CO3, C, NO3 नेगेटिव, N, NO2, N, यहां पे S, समझ आ गया? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए भाई। मैं डायरेक्ट हवा में चेक करें आप, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने सर? पांच, पांच प्लस मोनोवैलेंट कितने? एक। कोई डाइवैलेंट है? है, पर डाइवैलेंट को काउंट करना है क्या? बाय कितना? छह बाय तीन बाय कितना? तीन। आगे बोलो, यहां बोलो, क्लोरीन का कितना होता है? सात। एक मोनोवैलेंट एटम है, हाइड्रोजन तो एक ही है, क्या लिखेंगे? प्लस एक बाय दो, कितना आ गया? चार। आगे बताओ, सेंट्रल एटम कार्बन है, कार्बन कितना? चार। मोनोवेलेंट कितने? दो बाय दो, कितना आया? तीन। यहां बताओ, पांच प्लस एक, अरे भाई एक नेगेटिव है, तो डिवाइड बाय कितना? टू, कितना आ गया? थ्री। यहां बताओ, पांच प्लस एक बाय दो, कितना? तीन। यहां बताओ, छह प्लस दो बाय दो, चार। लॉन पेयर बता दो सब में जल्दी जल्दी, चलो एक मिनट का टाइम दे रहा हूं। लॉन पेयर पता लगाओ भाई, शाबाश। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कंबाइन करके लिखना था करियो, हाइड्रोजन को माइनस करना है आप, हाँ निकाल लो। ऐसे को हम लोग सेवंथ केस के लॉन पेयर निकाल रहे हैं, सही है भाई? तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? पांच, सही है भाई? नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? पांच। पांच में से एक ऑक्सीजन कितने शेड करेगा? दो। भाई पांच में से एक ऑक्सीजन कितने शेड करेगा? दो। तीन कितने शेड करेंगे? छह, तो माइनस छह। बट एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन किस फॉर्म में रहते हैं? कंबाइंड फॉर्म, तो इसलिए कितना आएगा? माइनस पांच बाय दो, कितना आ गया? जीरो। समझे? इसका बताइए फिर, एक क्लोरीन कितने शेड करता है? सात। एक ऑक्सीजन कितने शेड करेगा? दो, सही है क्या?
सराउंडिंग एटम पे हाइड्रोजन, सही है क्या? एक ऑक्सीजन ने शेड किए दो, चार ने कितने शेड किए आठ, एक हाइड्रोजन है बचे कितने सात, सात माइनस सात बाय दो कितना आया जीरो, नाइन बताइए। एक ऑक्सीजन कितने शेड करता है दो, तो तीन कितने शेड करेंगे छह, छह में से दो किसकी वजह से शेड हाइड्रोजन, कितने बचे चार, चार में से चार गए, शाबाश। आगे बताइए फिर, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितने पांच, पांच नाइट्रोजन कितना पांच, एक ऑक्सीजन एक नेगेटिव चार्ज है तो प्लस एक कर दूं सीधा, पांच और एक छह, एक नाइट्रोजन ने कितने से ऑड कर रखे दो, तो कितने बचे छह डिवाइड बाय कितना दो जीरो इलेवन बताओ, नहीं एक नाइट्रोजन है पांच, एक नेगेटिव चार्ज है तो प्लस एक, कितने ऑक्सीजन है दो, एक ऑक्सीजन कितने शेड करता है दो, तो दो ने कितने शेड किए चार, तो माइनस चार बाय दो एक, जीरो कैसे हुआ छह माइनस चार बाय दो, यहां बोलो भाई छह दो नेगेटिव है तो दो प्लस हो जाएगा आठ, और कितने शेड, एक ऑक्सीजन ने दो शेड किए तो तीन ने छह बाय दो एक, इसे हम लोग वो चेक करना, समझ आ रहा है क्या? ये लॉन पेयर किस पे आ रहे हैं, ऑन सेंट्रल एटम नॉट सराउंडिंग एटम्स, इस पे आ रहे हैं सेंट्रल, कोई दिक्कत यहां तक? अभी हम लोग ना इनकी टेबल बना के ज्योमेट्री पता करते हैं, अभी तो हमने जनरल बात की है कि क्या कितने लॉन पेयर हैं कितने बॉन्ड पेयर, चेक करें भाई सेंट्रल एटम, ऑन सेंट्रल एटम बात चल रही है क्योंकि सेंट्रल एटम से ही तो ज्योमेट्री डिसाइड करेंगे हम लोग, किसे डिसाइड करेंगे सेंट्रल एटम से डिसाइड करें, चलो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि आपके पास कुछ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या होंगे बेटा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे हम लोग कुछ बॉन्ड पेयर यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग कुछ लॉन पेयर यूज करेंगे, और यहाँ पे हम लोग उन कंपाउंड्स की ज्योमेट्री पता लगाएंगे, सही है क्या, ज्योमेट्री वगैरह पता लगाएंगे, ज्योमेट्री हम लोग चेक करेंगे, और ज्योमेट्री के बाद हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर और शेप। आप क्वेश्चन करोगे जब आप प्रीवियस ईयर लगा रहे होगे चाहे नीट के या जेई के, तो वहां पे आपकी ज्योमेट्री और शेप एंड स्ट्रक्चर एक ही काउंट करके चलते हो, बट यहाँ मैं अलग अलग लेके चल रहा हूँ कुछ समझाने के लिए, आप वहां पे आइडिया लेके चलोगे, क्लियर है क्या? देखो यहाँ हम लोग बात करेंगे किसकी, एग्जाम्पल्स चेक करते हैं। देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक तो होगा नहीं, पेयर की बात कर रहे हैं तो कितने होंगे दो, तो यहाँ पे मैंने दो लिए, कितने लिए बेटा दो, सही है क्या? और दोनों के दोनों क्या हो बॉन्ड पेयर, निकालना सीखा, मॉलिक्यूल देगा आपको, टेबल को मत रटना, यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल्स देगा और मॉलिक्यूल्स के लिए आपकी ज्योमेट्री पूछेगा, मॉलिक्यूल्स के लिए बॉन्ड पेयर पूछेगा, मॉलिक्यूल्स के लिए लॉन पेयर पूछेगा, उनकी ज्योमेट्री स्ट्रक्चर शेप ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो कि आपका कौन एक्सप्लेन करता है, वेस्पर, चेक करते हैं। देखो यहाँ लॉन पेयर कितने बेटा फिर, अच्छा चलो चेक करते हैं, अरेंज करते हैं कि एक सेंट्रल एटम है ए, एक सेंट्रल एटम क्या है बेटा, और ए के पास यहाँ अटैच है बी और ए के साथ अटैच है बी, कितने बॉन्ड पेयर दो, भाई एक बॉन्ड पेयर दूसरा बॉन्ड पेयर, यही तो मिला, इसके पास ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यही तो आया, और यहां से यहां जो एंगल आपको मिलता है कितना दिख रहा है, द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड पेयर कितना मिल रहा है 180, अरे भाई ऐसे आ गया, ये एंगल काउंट कर रहे हैं, कितना मिला 180, यहां जो एंगल मिलता है वो कितना मिलेगा 180, समझ आ रहा है क्या? कैसी ज्योमेट्री कैसी मिली आप लोगों को, लीनियर, कैसे मिलती है बेटा समझे क्या, अरे लीनियर दिख रही है ना, अच्छा से यहाँ पे स्ट्रक्चर भी क्या आएगी सेम, अरे स्ट्रक्चर भी क्या आएगी सेम लीनियर, क्योंकि कोई लॉन पेयर ही नहीं है, लॉन पेयर की वजह से ज्योमेट्री सेप स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाता है, बट ऐसा लॉन पेयर आया नहीं। एग्जाम्पल लो, यहाँ पे एग्जाम्पल आपका वेल नोन एग्जाम्पल BCl2 डाल सकते हो, क्या डाल सकता हूँ बेटा चेक कर लो, जो मैं बता रहा हूँ वो सही है क्या, लगाओ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
बी के पास कितने हैं बेटा? अप्लाई करना भी तो सीखोगे, बताओ बी के पास कितना? अरे भाई बी के आउटर मोस्ट में कितना? दो। मोनोवेलेंट कितने? दो। तो दो प्लस दो चार, चार बाय दो दो, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दो। लोन पेयर देखो, बी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? दो। दो में से शेड कितने? दो। बचे कितने? कोई लोन पेयर नहीं, सारे क्या? बॉन्ड पेयर। सेटिस्फाई है, सिमेट्री लिनियर होगी, वो नॉवल केस जैसा नहीं है, लॉस। हाँ सेंट्रल। अच्छा उसके बाद हम लोग चेक करते हैं, मान लो आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाए कितने बेटा? थ्री। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाए? थ्री। उसके लिए बताइए मेरे को, सारे के सारे बॉन्ड पेयर हो, लॉन पेयर क्या हो? जीरो। अरेंज करते हैं, चलो चलो मेरे को कुछ पेंस दो, अरेंज करके बताते हैं। दो, बार बार नहीं यूज करने, मेरे को दे दो। देखो हम लोग काउंट करते हैं वन बाय वन, है ना। मैं कहता हूं एक बॉन्ड पेयर है, कितने बॉन्ड पेयर है? एक। एक ये दूसरा बॉन्ड पेयर है, कितने बॉन्ड पेयर है? दो। और ये क्या अपना सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के साथ ये जुड़ा हुआ है, सेंट्रल एटम के साथ ये जुड़ा हुआ है। यहां बॉन्ड पेयर, यहां बॉन्ड पेयर, एंगल कितना? यहां ये ए है, ये बी और ये बी, कितना एंगल दिख रहा है? 180। समझे क्या? अब मैं आपसे कहता हूं कि मुझे एक और लेके आना है, एक बॉन्ड पेयर और लेके आना है, और यहां मैं बॉन्ड पेयर ले आया, मान लो मैंने यहां रखा, बिल्कुल इनके परपेंडिकुलर रखा हुआ है, कितना एंगल दिख रहा है? कितना एंगल दिख रहा है? तो ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे? यहां रिपल्सन ज्यादा होगा भाई, 90 डिग्री के हैं ये, कितना डिग्री? 90। कितना डिग्री रिपेल करेगा? कौन सा रिपल्सन होगा? बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। बट मैंने क्या बताया था, मॉलिक्यूल अपने आप को इस तरीके से अरेंज करता है कि वहां पे रिपल्सन कम से कम हो। क्या मैं इन बॉन्ड्स को थोड़ा सा शिफ्ट करता हूं, थोड़ा सा क्या करता हूं? शिफ्ट करता हूं, तो ये एंगल आपका 180 का नहीं, 120 का नहीं हो सकता है क्या? अरे एंगल बना सकते हैं हम लोग, ये देखो कितना दिख रहा है आपको? 120। यह एंगल कितना है? 90 से तो कम ही रिपेल करेगा, रिपल्सन घटा तो स्टेबल हो गया। क्या हो गया बेटा? कैसी ज्योमेट्री दिख रही है आपको? ये देखो एक ट्राइंगल दिख रही है, इसको बोलेंगे हम लोग ट्राइंगोनल प्लेनर। क्या बोलेंगे? देखो ट्राइंगल समझ आ रहा, प्लेनर क्यों बोल रहा हूं, एक प्लेन में है। किसमें बेटा? एक, इसलिए क्या बोला गया? ट्राइंगोनल प्लेनर। देखो समझो, यहां पे इसी चीज को हम लोग समझते हैं, एक ए है, सही है अभी, यहां पे आपके पास बी आया, यहां पे आपके पास बी आया और बी आया। मैं इनके परपेंडिकुलर भी रख सकता था बट रिपल्शन ज्यादा मिलता, इसलिए यहाँ पे जो एंगल आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा बेटा? 120। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? देखो ये ट्राइंगल दिखेगी, ये देखो एक ट्राइंगल दिख रही है, मैं डॉटेड फॉर्म में दिखा रहा हूं तो आप समझ पाओगे, एक ट्राइंगल दिख रही है। क्या क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल प्लेनर। समझे क्या? स्ट्रक्चर भी क्या आएगी? ट्राइगोनल प्लेनर। टीपी लिख दो, ट्राइगोनल प्लेनर। एग्जाम्पल देखो, आप चेक करो बी एफ थ्री एग्जाम्पल सेटिस्फाई कर रहा है क्या कंडीशन को? कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा तो और भी अच्छी बात है। कर रहा है क्या? बोरॉन सेंट्रल एटम कौन? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो, क्या फॉर्मूला था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवेलेंट माइनस कैटाइन प्लस एनायन बाय टू। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बोरॉन के? तीन। मोनोवेलेंट कितने? तीन। तीन प्लस तीन छः बाय दो, कितना आया? तीन। लॉन पेयर और निकालो, तीन थे, तीनों के तीनों शेड हो गए, कुछ बचेगा क्या? लॉन पेयर कितने? ज्योमेट्री क्या आएगी? शेप एंड स्ट्रक्चर पूछे तो क्या आएगी? समझे क्या? आपको ये देगा, आपसे ये सब पूछेगा, समझे? अच्छा उसके बाद मैं कहता हूं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तीन ही रहे, कितने रहे बेटा? बॉन्ड पेयर आपके कितने हो जाए? दो। एक लॉन पेयर भी तो आ सकता है, क्या आ सकता है? एक। तो क्या होगा यदि हम लोग एक लॉन पेयर इंट्रोड्यूस करते हैं? तो कुछ होना चाहिए,
ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। मैं आपसे कहता हूं कि आपका एक लॉन पेयर है, ये ग्रीन ग्रीन पेन आपका क्या है, एक लॉन पेयर। अब ये लॉन पेयर इस बॉन्ड पेयर को अच्छे से रिपेल करेगा। भाई लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन अच्छे होते हैं ना, ये लॉन पेयर किसको रिपेल कर रहा है, तो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एक, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन दो, रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन होगा तो ये बॉन्ड आपके नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। यदि आप इस लॉन पेयर को हटा के देखो तो आपको कुछ शेप दिखेगी, देखो कैसी शेप आ रही है, वी शेप और बेंट मुड़ा हुआ, ये बॉन्ड था ये मुड़ गया, किसकी वजह से मुड़ा, इनकी रट्टे मत मारना, समझने का सारा, लॉन पेयर ने इसको बॉन्ड पेयर को रिपेल किया और नीचे की तरफ आ गया, तो आपकी थोड़ी शेप चेंज हो रही है ना, क्या चेंज हो रही है, शेप, तो वहां पे शेप बदल जाएगी। ज्योमेट्री तो उतनी ही रही ना ट्राइगोनल प्लेनर, बेटा ज्योमेट्री तो आपकी क्या रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर, बट शेप चेक करो, शेप एंड स्ट्रक्चर। ए है, एक लॉन पेयर आ गया सर, क्या आ गया एक, और यहाँ पे बी है, आपको 2D में चेक करना है ना, तो आप एक काम करो इस लॉन पेयर को हटा के देखो, लॉन पेयर को हटा के क्या दिख रहा है, वी शेप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे जो आपकी शेप आएगी वो क्या मिलेगी आपको, वी शेप, और इसी को हम लोग कह देते हैं बेंट, समझे क्या, क्या बोलेंगे बेटा आप, वी शेप और बेंट। एग्जाम्पल ले सकते हो BH2 नेगेटिव का, चलो चेक करना एक बार, सेटिस्फाई कर रहा है क्या कंडीशन को, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, अभी हम लोग एक एक समझ रहे हैं, ठीक बताओ, बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने, बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने, तीन, मोनोवेलेंट कितने, तीन और दो, एक नेगेटिव चार्ज एक छः, कितना आया, लॉन पेयर है क्या कोई, तीन तो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज, तो टोटल इलेक्ट्रॉन चार, बोरॉन के पास चार इलेक्ट्रॉन है, चार में से कितने बॉन्ड बना रखे हैं, दो बच्चे, कितने, दो, दो बाय दो मतलब एक, सेटिस्फाई कर रहा है क्या, कोई दिक्कत है यहां तक, आगे चलते हैं। तो मैं आपसे कहता हूं कि आपके मान लो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएं, चार, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम पैटर्न, बॉन्ड पेयर, फिर क्या आएगा, लॉन पेयर, फिर आपके पास ज्योमेट्री, और फिर आपके पास स्ट्रक्चर और शेप। इंटरेस्टिंग है, यहां से नीट में क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स क्वेश्चन है, कंपटीशन इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हम लोग सोच लेते हैं। चलो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, फोर, चारों के चारों क्या मान लिए, लॉन पेयर क्या, जीरो। चलो कितने बॉन्ड अरेंज करने इस बार, तो हम लोग चार पेन लेते हैं, ठीक है, कहां तक थे, ट्राइगोनल प्लेनर, ये ज्योमेट्री कैसी है, ट्राइगोनल, तो इसी में एक बॉन्ड पेयर और एडजस्ट करना है भाई, इसी में क्या एडजस्ट करना है, एक, अब ये मान लो ये बॉन्ड पेयर आता है, आ गया ऊपर आके एडजस्ट हो गया, ये इस प्लेन पे एडजस्ट हो रहा है, तो इस प्लेन के अकॉर्डिंग ये एंगल कितना, ये एंगल कितना, ये एंगल कितना, आप 90 का तो रिपेल अच्छा करेगा भाई, ये क्या था, बॉन्ड पेयर, क्या था ये, क्या था, बॉन्ड पेयर, सारे बॉन्ड पेयर हैं भाई, ये क्या है, बॉन्ड पेयर, ये सब बॉन्ड पेयर, सब के सब क्या है, तो इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करेंगे, क्या होगा, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, रिपल्शन, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, आप रिपेल करेगा तो इसको नीचे की तरफ धकाएगा, तो आपकी थोड़ी सी एंगल चेंज होंगे, अरे हो रहे या नहीं हो रहे, तो आपको इस तरीके से कुछ दिखेगा, चारों तरफ से इक्वल है वो, इसको आप, ये आपके पास एक ज्योमेट्री बनती है जिसको हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल, क्या कहते हैं, और ये जो एंगल आपका मिलता है वो 90 का नहीं 109.5 डिग्री का हो जाता है, कितना हो जाता है 109.5, समझे क्या, देखो यहां से चेक कर लो, ये सेम होता है, ऐसे घुमा लो ये सेम होता है, ऐसे घुमा लो ये सेम होता है, सब क्या मिलेंगे आपको सेम हो जाएगा, चेक करते हैं, तो यहां पे मैंने कहा तो ज्योमेट्री एडजस्ट करेंगे, आपके पास है ए सेंट्रल एटम, क्या बेटा सराउंडिंग एटम पे आते हैं, क्या आपके पास बी 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 बी, एंगल कितना मिलेगा
109.5 डिग्री। समझ आ रहा है क्या? इसकी जो ज्योमेट्री आएगी वो क्या बनी आपकी? टेट्राहेड्रल। क्या बोल रहे हैं बेटा? टेट्राहेड्रल, टीडी लिख रहा हूं, टेट्राहेड्रल को क्या लिख रहा हूं। और यदि आपकी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो है, क्या कहा मैंने? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जीरो है, तो जो ज्योमेट्री है वही क्या रहेगी? सेफ। एग्जाम्पल CH4 ले सकते हो, अभी समझाया था, ले सकते हो क्या? चेक करो फिर हो रहा है क्या। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 4। मोनोवेलेंट एटम कितने? 4। 4+4 8, 8/2 4। अब हमें निकाल पा रहे हो, एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। 4 में से कितने शेड हो गए? 4। बचे कितने? 0। ज्योमेट्री क्या आएगी? शेप क्या आएंगी? स्ट्रक्चर क्या आएगी? शाबाश। चलो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है, एक ही। आपको ना क्या करना है, देखो ज्योमेट्री है, स्ट्रक्चर, शेप। क्वेश्चन करोगे तो मैं आपको कुछ पैटर्न दूंगा यहां ड्यूरिंग क्वेश्चन टाइम। आप चेक करोगे कि यहाँ पे जो आपकी ज्योमेट्री स्ट्रक्चर सब सेम ही आते हैं। ये हम लोग समझने के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि उसी में उन्हीं के एंगल चेंज होंगे। 109 एंगल चेंज होगा ना आगे लॉन पेयर आएगा, तो इसलिए मैं उस चीज को अलग रख रहा हूँ। जैसे एग्जांपल लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4, बॉन्ड पेयर कितने हो जाए? 3, लॉन पेयर कितने हो जाए? 1। ज्योमेट्री क्या रखेंगे? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या रखेंगे यहां बताइए मेरे को? एक लॉन पेयर इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ दिखेगा क्या? चलो पहले मैं एक बार सारे लॉन पेयर समझा दूं, फिर हम लोग चेक करेंगे। देखो ये ऐसी कंडीशन अपने पास, राइट भाई? ये क्या बन गया अपनी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्या बनी? ये एक लॉन पेयर रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए? क्या ये लॉन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा होगा? बॉन्ड पेयर से ज्यादा या कम? भाई लॉन पेयर बॉन्ड पेयर ज्यादा रिपेल करता है। ये लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर है, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर है, तो नीचे की तरफ जाएगा तो आपको देखो एक पिरामिड मिलेगा। यार इसको ऐसे रख दो, क्या मिलेगा एक? तो यहाँ पे जो शेप आएगी एक लॉन पेयर इंट्रोड्यूस करने पर कैसे आएगी? पिरामिडल। क्या आएगी? नहीं, वो रिपेल करने के बाद नीचे की तरफ जाएगा ना, ऐसे ऐसे रखेगी। अरे फिर तो टेट्राहेड्रल था ना बेटा, लॉन पेयर की वजह से रिपल्शन बढ़ नहीं गए। अच्छा एंगल बढ़ेंगे या घटेंगे? घटेगा, ये एंगल तो घट रहा है ना भाई। रिपेल देखो, ये रिपेल करेगा तो ये इसको रिपेल करेगा, तो इनका जो एंगल है वो तो कम नहीं हो जाएगा, ये एंगल तो कम नहीं हो जाएगा। इक्वली रिपेल कर रहा ना ऊपर बैठा वो, समझ आ रहा है क्या? अच्छा हम लोग काउंट करते हैं, चलो दोनों काउंट कर लेते हैं। अपने पास लॉन पेयर कितने हो जाए? 2। कितने लॉन पेयर हो जाए? 2। ऐसी कंडीशन है, कितने लॉन पेयर काउंट कर रहे हैं? 2। एक ये लॉन पेयर है, एक ये लॉन पेयर, लॉन पेयर लॉन पेयर रिपल्शन बनेगा, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेंगे, बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। इनको हटा दूं तो कैसा दिख रहा है? अच्छा तीन लॉन पेयर हो जाए तो लीनियर, समझ आ रहा है क्या? देखो बहुत आसान है, यहाँ पे हम लोग काउंट कर रहे हैं कि आपके पास एक लॉन पेयर इंट्रोड्यूस किया जाए, कर दिया भाई, तो एक लॉन पेयर हटा के देख लो आपको कैसा दिख रहा है? पिरामिड टाइप दिख रहा है। तो यहाँ पे जो शेप आएगी वो कैसे आएगी? पिरामिडल से। एग्जाम्पल होते हैं आपके NH3, चेक कर लेना, चेक करो सावास। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4, बॉन्ड पेयर आपके 2, लॉन पेयर कितने? 2। ज्योमेट्री भाई टेट्राहेड्रल रखेंगे, चलो 2 लॉन पेयर रखे देखो, 1 2, एक यहाँ पे बी, एक यहाँ पे बी। लॉन पेयर हटा के देखो क्या दिख रहा है बेटा? वी शेप, और इसको हम लोग बोलेंगे वी शेप, और इसी को हम लोग कहते हैं क्या? बैंड। वी शेप और बैंड, समझ आ रहा है क्या? एग्जाम्पल हो सकता है क्या? H2O, क्या हो सकता है बेटा? समझ आ रहा है क्या? आगे बोलिए। 4 हो जाए और बॉन्ड पेयर कितने? 1। लॉन पेयर कितने? 3। और ज्योमेट्री क्या आएगी? टेट्राहेड्रल। सही है क्या? 3 लॉन पेयर रखो, 1 2 3, और यहां पे यदि हम लोग चेक करें
तो यहाँ क्या आएगा आपका, अभी लॉन पेयर हटाओ कुछ दिखेगा, कैसे दिखेगी बेटा, लीनियर। एग्जाम्पल ले सकते हो आप HCl, कोवलेंट कंपाउंड में डील कर रहे हैं, सही है क्या? किसका एग्जाम्पल ले सकते हो? HCl, कैसे आएगी? लीनियर हो जाएगा। तो आज इतना ही करें, बाकी टेबल को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, क्लियर है क्या? इसी को और हाइब्रिडाइजेशन को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, हो जाएगा। चलो।